देखो एक और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन देखो ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स माइनस बी प्लस सी मॉड एक्स, और ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, और हमसे कहा जाए कि इफ एफ एक्स अटेन्स, ठीक है, मिनिमम एट वन पॉइंट फाइंड ए फाइंड कंडीशन, ठीक है, बिटवीन ए बी सी, ए बी सी में कंडीशन चाहिए है, इफ एफ एक्स अटेन्स मिनिमम एट वन पॉइंट, मतलब फंक्शन का मिनिमा सिर्फ एक पॉइंट पर आए, है ना, ये फंक्शन दिया ए बी सी पॉजिटिव है, फंक्शन का मिनिमा एक पॉइंट पर आए तो हमें ए बी सी पर कंडीशन चाहिए। देखो ध्यान दो, अब ये भी क्वेश्चन ग्राफ पे जाके करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होता है, जैसे ये दो मॉडुलस का सम है और ए बी सी पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था ऐसा ग्राफ हमेशा इस प्रकार का बनता है। देखो एक तो जीरो पर कॉर्नर आएगा और एक कॉर्नर यहां आएगा बी बाई ए पर, है ना, ये ऐसे मैंने बताया था दो मॉडुलस का सम है, तो ऐसा ग्राफ हमेशा इस प्रकार से बनता है। देखो एक कॉर्नर एक्स बराबर जीरो पर आएगा और एक कॉर्नर आएगा एक्स बराबर बी वाई ए पर, है ना, इस प्रकार का ग्राफ हमको चाहिए, तो ये ग्राफ हमेशा देखो इस तरह से बनाना पड़ता है। देखो जैसे अगर हम एक्स को जीरो रखते हैं, एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू बी आएगी, बी, ठीक, अगर एक्स को रखते हैं बी वाई ए, तो देखो ये यहां से वैल्यू आएगी, देखो ये ऐसे आएगी सी बी बाई ए, है ना, अगर एक्स को रखोगे जीरो तो देखो यहां से वाई की वैल्यू बी आएगी, क्योंकि बी पॉजिटिव है, मॉड ऑफ माइनस बी मतलब बी, क्योंकि बी पॉजिटिव है, और अगर एक्स को रखोगे बी बाई ए तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी बाई ए, है ना, एक्स को बी बाई ए पुट करते ये जीरो हो जाएगा तो सी बी बाई आई, देखो ऐसे आएगा। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए ऐसे करके। अब देखो अगर हम चाहते हैं एक ही मिनिमा मिले, है ना, अगर हम चाहते हैं एक ही मिनिमा मिले तो एक पॉसिबिलिटी देखो ये हो गई। अब देखो इसमें बी पर मिनिमा है, सॉरी जीरो पर मिनिमा है, यहां पर मिनिमा नहीं है, है ना। देखो ध्यान दो, यह ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये पॉइंट और नीचे आ जाए और ये चला जाए ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। अभी भी देखो इस पॉइंट पर बी बाई ए पर देखो अकेला मिनिमा है, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये जैसे बी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है बोलो, सी बी बाई ए, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो इस केस में अकेला मिनिमा है, इस केस में अकेला मिनिमा है, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर नहीं है। सी बी बी, देखो ये डिस्टेंस हो गई ना सी बी बाई बाई ए, और ये डिस्टेंस बी है ना, ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है बी सी बाई ए, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये क्या है बोलो बी सी बाई ए। तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो गई तो फिर देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ये। अब देखो ये डिस्टेंस बी हो गई और देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई बोलो बी सी बाई ए, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो गई तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब देखो कोई भी मिनिमा नहीं है, ना तो ये मिनिमा है और ना ही ये मिनिमा है, कोई मिनिमा देखो यहां पर नहीं है, तो मतलब हम चाहते हैं क्या है कि बी सी बाई ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि तो अगर ऐसा हो गया तो देखो एक पॉइंट पर मिनिमा होगा यहां पर, तो कोई जैसे यहां पर इसको मिनिमा नहीं कह सकते, ये मिनिमा नहीं है क्योंकि तो इसमें एक तरफ से वैल्यू कम है एक तरफ से वैल्यू ज्यादा है, तो ये मिनिमा नहीं है, देखो तो ये मिनिमा है, दोनों तरफ की तुलना में वाई की वैल्यू कम है, हा? और यहां पर देखो ये मिनिमा है, दोनों तरफ की तुलना में वाई की वैल्यू कम है, देखो इसको मिनिमा नहीं कह सकते क्योंकि तो एक तरफ से वैल्यू कम है एक तरफ से वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये मिनिमा नहीं हुआ, है ना। देखो जैसे अगर हम राइट से कंपेयर करेंगे तो इस पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा और लेफ्ट से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू कम, तो इसलिए मिनिमा नहीं है। तो इस केस में भी एक ही मिनिमा है और इस केस में भी एक ही मिनिमा है, यहां पर देखो कोई मिनिमा नहीं है, ना तो इस पॉइंट पर, क्योंकि देखो ये लाइन पैरेलल हो गई, ना इस पर मिनिमा है ना इस पर मिनिमा है, तो ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए ऐसा हुआ, है ना, कोई मिनिमा नहीं मिला। तो ऐसा या ऐसा कब होगा, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। देखो बी से बी कैंसिल किया तो सी बाई ए नॉट इक्वल टू वन, तो सी नॉट इक्वल टू ए। तो मतलब ये हमारी कंडीशन हो गई अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर मिनिमम मिले तब। तो देखो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या बोलो, सी नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, करो बच्चों फटाफट इसको जल्दी से। तो ये ए बी सी में कंडीशन आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी